रामपुर गांव में अंजलि नाम की एक लड़की रहती थी। वो बहुत ही समझदार थी। अंजलि रामकिशन की इकलौती बेटी थी। पत्नी की मृत्यु के बाद रामकिशन ने अकेले ही अपनी बेटी को पाला था। रामकिशन एक किसान था। वो खेती करके अपना गुजारा करते थे। अंजलि भी अपने पिता के हर काम में मदद करती। एक दिन अंजलि इतनी बड़ी हो गई है, लेकिन इन बच्चों के साथ खेलती रहती है। जब देखो, पिताजी अभी तो छोटी सी बच्ची हूँ। जी जी, आप कहाँ से बच्ची हो? आप तो इतनी बड़ी हो, आप कहाँ से बच्ची हो? छुटकी, तू तो चुप ही रह। अब मैं जा रही हूँ, दोपहर में चलेंगे आम तोड़ने। जल्दी आ जाओ वरना बहुत धूप हो जाएगी। इतना कहकर दोनों खेतों की तरफ चले जाती हैं और काम करने लगते हैं। पिताजी, इस बार तो खेत में बहुत अच्छी फसल हुई है। हाँ, फसल तो बहुत अच्छी हुई है इस बार। अच्छा मुनाफा होगा। हाँ, तो इस बार आप मुझे बाजार से रंग बिरंगी चूड़ियाँ लाकर देंगे ना? हाँ, पक्का। अब चल, जल्दी जल्दी काम करते हैं, फिर घर चलते हैं। दोनों खेतों का काम करते हैं और शाम होते ही अचानक बहुत तेज बारिश होने लगती है। दोनों भागते भागते घर आ जाते हैं। बाबा, ये तो बहुत तेज बारिश हो रही है। हाँ, बारिश तो बहुत तेज है। चल, तू खाना बना ले। अंजलि खाना बनाने लगती है। थोड़ी देर में दोनों खाना खाती हैं और सो जाती हैं। लेकिन उसी रात अचानक उस गांव में बाढ़ आ जाती है, जिससे किसानों की सारी फसल बर्बाद हो जाती है। सारे किसान अपनी फसलों को बर्बाद होते देख रह जाते हैं, लेकिन कुछ नहीं कर पाते। अगले दिन, अरे लखन, अब क्या होगा? अब तो हमारी सारी फसल खराब हो गई भैया। खेतन में भी घुटनों तक पानी भरा है। न जाने कब सूखेगा, तब हम खेती कर पाएंगे। भैया, हमारी तो इतनी पूंजी भी नहीं है कि बैठ के खा सके। न जाने क्या होगा भैया। सही कह रहा है, जो राशन है वो भी एक दो दिन में खत्म हो जाएगा। क्या करे, कुछ समझ नहीं आ रहा भैया। चलो भीखू काका से ही सलाह लेते हैं। सारे किसान मिलकर भीखू काका के पास जाते हैं। क्या करे भीखू काका, सब खत्म हो गया। हाँ काका, अब कोनो चारा नहीं दिखता। परेशान मत हो, सब ऊपर वाला देख रहा है। अब हमारे पास बस एक ही चारा है कि हम अपनी जमीन गिरवी रख के मुखिया जी से पैसे उधार ले लें और बाद में खेती करके अपनी जमीन छुड़वा लें। हाँ काका, अब तो यही चारा है। चलो फिर हम सब चलते हैं मुखिया जी के पास, हैं? सारे लोग मिलकर मुखिया जी के पास गए। अरे अरे, कहाँ चले आ रहे हो तुम सब? मुखिया जी, हम आपसे मदद मांगने आए हैं। आपको तो पता ही है, गांव में बाढ़ आ गई थी जिसकी वजह से हमारी फसल खराब हो गई। अब हमें पैसे की जरूरत है। देखो, मैं मदद तो कर दूंगा, लेकिन मैं तुम लोगों को 5% ब्याज के साथ रकम दूंगा, जिसे तुम लोग 5 साल में थोड़ा थोड़ा करके वापस कर देना। हमें मंजूर है मुखिया जी। ठीक है, तो पैसे ले लो। मुनीम जी, पैसे दे दो सबको। धन्यवाद मुखिया जी। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना, अगर रकम नहीं जमा की तो तुम लोगों के खेत मेरे हो जाएंगे। ठीक है मुखिया जी। सभी लोग पैसे लेकर वापस आ गए और थोड़े दिन में खेत सूख गए और सारे लोग वापस खेती करने लगे। हर बार मुखिया जी खुद ही हिसाब करने पहुंच जाते। एक दिन, रामकिशन, ए रामकिशन। पिताजी तो अभी बाहर गए होंगे, वे आते ही होंगे, आप बैठिए। मुखिया जी बैठ गए। अंजलि ने मुखिया जी को पानी पीने के लिए दिया। मुखिया जी अंजलि को बस देखे जा रहे थे। उसकी अंजलि से नजर हट ही नहीं रही थी।
तभी राम किशन आ गया और आते ही राम किशन ने उसे पैसे दे दिए। राम किशन, तुम्हारी बेटी इतनी बड़ी हो गई है, इसकी शादी के लिए कहीं रिश्ता ढूंढा या नहीं? हाँ मालिक, इसके लिए एक अच्छा लड़का खोज रहा हूँ। अच्छा चलो मैं चलता हूँ। इतना कहकर मुखिया जी वहां से चले गए। घर पहुंचकर मुखिया जी अंजलि के बारे में सोचने लगते हैं। उसका सुंदर चेहरा मुखिया जी के दिमाग पर ऐसा बस गया था कि वो उससे अब शादी करना चाहता था। वक्त बीतता गया। रामकिशन ने अपने खेत में फिर से नई फसल की बुआई कर दी। कुछ समय तक तो सब ठीक था, फसल भी पकने को थी। अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश इतनी हुई कि फसल खराब हो गई। ये देख सब किसान बहुत दुखी थे। कुछ दिन बाद मुखिया जी हर बार की तरह अपने पैसे लेने रामकिशन के पास आए। मुखिया जी, इस बार फसल खराब हो गई, मैं आपके पैसे नहीं दे पाऊंगा। अच्छा, तुम्हारे लिए मेरे पास एक प्रस्ताव है। मैं तुम्हारे सारे कर्जे माफ कर सकता हूँ अगर तुम अपनी बेटी की शादी मुझसे कर दो तो। अब ये कैसे हो सकता है भला? है? मैं अपनी बेटी की शादी आपसे कैसे कर दूं? मुखिया मन ही मन सोचने लगा। ये टेढ़ी खीर है, ऐसे तो करेगा नहीं, कुछ और करना पड़ेगा। अच्छा चलो एक खेल खेलते हैं और शर्त लगाते हैं। मैं जमीन पर पड़े इन तमाम पत्थरों में से एक काला और एक सफेद पत्थर उस खाली मटके में डालूंगा, फिर आपकी बेटी बिना उस मटके के अंदर देखे उसमें हाथ डालकर कोई एक पत्थर बाहर निकालेगी। अगर पत्थर सफेद हुआ तो आपको अपनी बेटी की शादी मुझसे करवानी होगी और सारा कर्ज भी माफ, और अगर काला पत्थर निकला तो आपकी बेटी को मुझसे शादी नहीं करनी होगी और आपका सारा कर्ज भी माफ कर दूंगा। बाप और बेटी दोनों इस बात पर अपनी सहमति जताते हुए हाँ बोल देते हैं। तब मुखिया जी जमीन से दो पत्थर उठाते हैं और उस मटके में जल्दी से डाल देते हैं। मुखिया जी के मन में छल और कपट होता है, इसलिए मुखिया जी काले और सफेद दोनों रंग के पत्थर उठाने का नाटक करते हैं, लेकिन मटके में सिर्फ सफेद वाले पत्थर ही डालते हैं, बाकी के जमीन में फेंक देते हैं। लेकिन अंजलि ये सब देख लेती है और धैर्य बनाए रखती है। जाओ निकालो पत्थर। अंजलि मुखिया जी के कहने पर मटके से पत्थर निकालने चली जाती है और मटके से एक पत्थर निकालकर वो जैसे ही मुखिया जी को देने जाती है, उसी समय झूठ मूठ का जमीन पर गिर जाती है, जिस वजह से हाथ का पत्थर जमीन में पड़े हुए पत्थरों से मिल जाता है। ये क्या किया? अब कैसे पता चलेगा कि तुमने कौन से रंग का पत्थर निकाला था? मैंने मटके से काला पत्थर निकाला था। मैं कैसे मान लूं? यकीन नहीं होता तो उस मटके में देख लो, अगर पत्थर सफेद हुआ तो साबित हो जाएगा कि मैंने काला पत्थर निकाला था। ये बात सुन मुखिया जी हक्के बक्के रह गए, क्योंकि वो अपने ही जाल में खुद फंस चुके थे और शर्त के मुताबिक अब मुखिया जी को राम किशन का सारा कर्ज माफ करना पड़ता। और अंजलि ने जब अपने पिता को सब बताया तो राम किशन अपनी बेटी की इस समझदारी पर बहुत खुश हुआ।